तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज। आज पढ़ेंगे हम गियर के टाइप्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ गियर, कितने टाइप के गियर्स होते हैं या फिर उनकी जो क्लासिफिकेशन होती है गियर्स की, ठीक है, उनके किन बेसिस पे आप गियर्स को क्लासिफाई कर सकते हो, राइट। जैसे देखिए यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गियर, क्लासिफिकेशन ऑफ द गियर, यानी कि गियर्स को आप किन बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो, राइट। तो पहला जो क्लासिफिकेशन आप लोग कर सकते हो वो कर सकते हो एक्सिस ऑफ शाफ्ट और टूथ एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्सिस ऑफ शाफ्ट और टूथ एक्सिस के अकॉर्डिंग, जैसे या फिर आप कह सकते हो कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट, पहले मैं एक बार क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिर उनके हर गियर का डायग्राम और उनके यूज वगैरह मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। दूसरा कर सकते हो आप वेलोसिटी, यानी कि पेरिफेरल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, पेरिफेरल वेलोसिटी, पेरिफेरल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग इनको आप जो है कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तीसरा जो हो सकता है वो कर सकते हैं आप टाइप ऑफ गियरिंग के अकॉर्डिंग, टाइप ऑफ गियरिंग के अकॉर्डिंग। और फोर्थ जो डिफरेंशिएट आप लोग कर सकते हो इनको, ठीक है, फोर्थ जो डिफरेंशिएट आप लोग कर सकते हो उनको शेप ऑफ टीथ के अकॉर्डिंग, ठीक, शेप ऑफ टीथ के अकॉर्डिंग। और पांचवी जो क्लासिफिकेशन हो सकती है, फिफ्थ जो क्लासिफिकेशन हो सकती है वो हो सकती है आपकी, फिफ्थ जो क्लासिफिकेशन हो सकती है वो हो सकती है हाउसिंग डिजाइन के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर हो सकती है? हाउसिंग डिजाइन, हाउसिंग डिजाइन के बेस पे। तो जो स्टार्टिंग की जो तीन क्लासिफिकेशन है वो अपने लिए मेन है, ठीक है। स्टार्टिंग की जो तीन क्लासिफिकेशन है वो अपने लिए मेन है। जैसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई वो बताइए एक्सिस ऑफ शाफ्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि देखिए एक्सिस ऑफ शाफ्ट में क्या है। अभी सबसे पहले फर्स्ट वाले को हम लोग कवर करेंगे। एक्सिस ऑफ शाफ्ट में क्या है कि जो गियर की जो शाफ्ट है आपकी पैरेलल शाफ्ट होंगे, ठीक है। जो गियर जिस शाफ्ट के ऊपर माउंट होगा वो शाफ्ट क्या होंगे आपकी? पैरेलल शाफ्ट होंगे। मान लीजिए ये आपका, ये आपकी फर्स्ट शाफ्ट है, ठीक, और ये क्या है आपकी सेकंड शाफ्ट है, इस तरीके से ये क्या है आपकी सेकंड शाफ्ट है, राइट। फर्स्ट शाफ्ट के ऊपर ये आपकी फर्स्ट शाफ्ट है और ये आपकी सेकंड शाफ्ट है, राइट। तो फर्स्ट शाफ्ट के ऊपर एक गियर माउंटेड है आपका, ठीक है। फर्स्ट शाफ्ट के ऊपर आपका ऐसे इस तरीके से आपका गियर माउंटेड है, इस तरीके से गियर शाफ्ट माउंट, और ये क्या हो गया एक्सेस ऑफ टीथ, ठीक। और ये दूसरा गियर है, ये शाफ्ट नंबर टू पे माउंटेड है इस तरीके से, और ये इसके टीथ हो गए, और ये क्या हो गया इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ठीक है, इन दोनों गियर्स का। यानी कि ये दोनों गियर्स, यानी कि गियर नंबर वन एंड गियर नंबर टू कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे? इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक, इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो जब आपके जो टीथ हैं वो शाफ्ट के पैरेलल हों, जब आपके टीथ शाफ्ट के पैरेलल हों, तो उन गियर्स को हम क्या बोलेंगे? स्पर गियर। तो इस वाले गियर को हम क्या बोल देंगे? स्पर गियर। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन हो जाएगी वो हो जाएगी स्पर गियर, ठीक। यानी कि व्हेन टीथ ऑफ द गियर आर पैरेलल टू द शाफ्ट, शाफ्ट के जब पैरेलल हों गियर के टीथ, तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम लोग बोलेंगे स्पर गियर, ठीक है। उनको क्या बोल देंगे हम? स्पर गियर। और
नेक्स्ट है आपका, देखिए ऐसा हो सकता है कि जो आपके टीथ हैं वो क्या हो, इंक्लाइंड हो, जो एक्सिस ऑफ टीथ है या फिर आपके जो टीथ हैं वो शाफ्ट के इंक्लाइंड हो, तो इस टाइप के गियर को हम क्या बोलेंगे। देखिए पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। मान लीजिए ये गियर नंबर फर्स्ट है और ये क्या हो गया इसकी शाफ्ट हो गई, ठीक, और ये गियर नंबर क्या है सेकंड है, दिस इज गियर नंबर सेकंड एंड दिस इज द शाफ्ट ऑफ द गियर नंबर सेकंड एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ये क्या है जहां पर ये दोनों गियर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक। अब देखिए गियर नंबर ये वन है, इसके जो टीथ हैं वो क्या हैं आपके इंक्लाइन टीथ हैं, इस तरीके से, ठीक है, और ये क्या है दूसरी शाफ्ट के ऊपर भी जो आपके टीथ हैं वो क्या हैं आपके इंक्लाइन टीथ हैं, वो क्या है आपके इंक्लाइन टीथ है, इस तरीके से। तो इन जो टीथ होते हैं इनको क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है, हेलिक्स, ठीक, इनको क्या बोलते हैं हेलिक्स, जो टीथ होते हैं आपके टेक्निकल लैंग्वेज में। तो आप देखोगे कि इस पे जो टीथ हैं, ठीक है, गियर नंबर वन पे जो टीथ हैं और गियर नंबर टू पे जो टीथ हैं वो क्या है इंक्लाइन है, ठीक है, यहां पर क्या था टीथ, टीथ आर पैरेलल टू एक्सिस ऑफ शाफ्ट, ठीक है, स्पर गियर के केस में। दूसरा केस क्या है, टीथ आर इंक्लाइन या फिर हेलिक्स आर इंक्लाइन, ठीक है, टू एक्सिस ऑफ शाफ्ट, एक्सिस ऑफ शाफ्ट, जो हेलिक्स हैं वो क्या हैं आपके, जो टीथ है वो क्या है आपके इंक्लाइंड है, तो इनको क्या बोल देंगे आप हेलिकल गियर, हेलिकल गियर। तो सेकंड क्या हो गया, अगर आपके पैरेलल है शाफ्ट क्या है पैरेलल है टीथ के, तो क्या हो जाएगा आपका स्पर गियर, वो क्या हो जाएगा आपका स्पर गियर। तो सेकंड क्या है, अगर टीथ आर इंक्लाइंड टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट तो क्या हो जाएगा आपका हेलिकल गियर, राइट। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो टीथ हैं, मान लीजिए ये गियर नंबर वन है, ठीक, और ये गियर नंबर टू है। अच्छा इसमें जो एक चीज याद रखनी है हेलिकल गियर में, वो क्या है, अपोजिट हैंड हेलिक्स विल कोइंस, अपोजिट हैंड हेलिक्स विल कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अपोजिट हैंड हेलिक्स, ठीक है, अपोजिट हैंड हेलिक्स केम इनटू कॉन्टैक्ट, ठीक है, जो अपोजिट हैंड हेलिक्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे, ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है प्रॉपरली। अच्छा तीसरा मैंने बताया आपको, यहां पर शाफ्ट क्या है, यहां पर टीथ इंक्लाइंड एंड शाफ्ट के, यहां पर क्या है शाफ्ट, जो शाफ्ट है, ठीक है, टीथ के क्या है पैरेलल है। तीसरे में देखिए यहां पर भी देखिए आपका जो टीथ है वो इस तरीके से होंगे, यानी कि डबल हेलिक्स, उसमें तो थे सिंगल हेलिक्स, ये गियर नंबर फर्स्ट है आपका और ये गियर नंबर सेकंड है, ठीक, इसमें देखिए इस तरीके से, इसमें भी टीथ क्या है आपके, इसमें भी टीथ आपके इंक्लाइंड है शाफ्ट के, ठीक है, इसमें भी टीथ क्या है इंक्लाइंड है शाफ्ट के, लेकिन लेकिन जो टीथ है वो क्या है सिंगल हेलिक्स नहीं है इसमें, इसमें क्या है डबल हेलिक्स है, इसमें क्या है आपका डबल हेलिक्स, तो उसको क्या बोल देंगे आप डबल हेलिकल गियर, इसको क्या बोल देंगे डबल हेलिकल गियर। तीसरा हो जाएगा आपका
डबल हेलिकल गियर। अच्छा, डबल हेलिकल गियर में क्या है, जब आप इस गियर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो एक टूल, जो टूल रन होता है, ठीक है, यानी कि दोनों टीथ के बीच में, इस वाले टीथ, इस वाले हेलिक्स और ये वाला हेलिक्स, दोनों के बीच में एक स्पेस बन जाता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक स्पेस बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे डियर आप, उसको बोलेंगे टूल रन, उसको क्या बोलेंगे टूल रन, इसको बोलते हैं हम लोग टूल रन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डबल हेलिकल गियर। एक और जो चौथा केस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, हेरिंग बोन गियर। हेरिंग बोन गियर भी बिल्कुल डबल हेलिकल गियर की तरह रहता है, लेकिन लेकिन उसमें टूल रन नहीं रहता, ठीक है, उसमें क्या है, टूल रन नहीं रहता, ठीक, उसमें क्या है, टूल रन नहीं रहता। ये हो जाएगा चौथा केस आपका, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, हेरिंग बोन, हेरिंग बोन गियर, ठीक है, हेरिंग बोन गियर। उसके बाद देखिए यहां पर शाफ्ट क्या थी आपके, पहला क्या है, भी एक्सिस ऑफ शाफ्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, पहली क्लासिफिकेशन हो गई पैरेलल शाफ्ट। जितने भी मैंने अभी आपको गियर बताए हैं, इन सब में जो शाफ्ट है आपकी पैरेलल शाफ्ट है, ठीक है, क्या है आपकी, पैरेलल शाफ्ट है। सेकंड जो केस हो जाएगा वो आपका, जिसमें आपकी शाफ्ट जो है वो पैरेलल नहीं रहेंगी, ठीक है, वो पैरेलल नहीं रहेंगी, वो क्या हो जाएंगी आपकी, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट हो जाएंगी। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, पहला क्या हो गया, पैरेलल शाफ्ट, ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट में क्या है, जैसे इसका पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, बीवल गियर आपका, ठीक है, इसका फर्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, बीवल गियर। बीवल गियर कैसे, जैसे देखिए ये एक शाफ्ट नंबर वन है, ठीक, और ये क्या है, इस तरीके से, देखिए ये इसका सेंट्रल एक्सिस हो गया गियर का, शाफ्ट का, सॉरी, ये शाफ्ट का एक्सिस हो गया, इस फर्स्ट गियर का टीथ इस तरीके से बने हुए हैं, अच्छा, बीवल गियर के ऊपर भी आपके जो टीथ हैं, ठीक है, बीवल गियर के ऊपर भी जो टीथ हैं वो क्या हो सकते हैं आपके, स्ट्रेट टीथ हो सकते हैं और इंक्लाइन टीथ हो सकते हैं, ठीक है, दोनों केस हो सकते हैं, बीवल गियर के केस में क्या हो सकते हैं यहाँ पर आपके, स्ट्रेट टीथ भी हो सकते हैं और इंक्लाइंड टीथ भी हो सकते हैं, दोनों केस इसके साथ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ये शाफ्ट का एक्सिस और ये वाला शाफ्ट का एक्सिस, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसलिए इनको क्या बोला है, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, ठीक है, इस टाइप के गियर्स को हमने क्या बोला है, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, ठीक है। अच्छा देखिए ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंटरसेक्टिंग है इस शाफ्ट और इस शाफ्ट का, यानी कि शाफ्ट नंबर फर्स्ट एंड शाफ्ट नंबर टू, ठीक है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्टिंग बनेगा, तो ये एंगल ऑफ इंटरसेक्ट, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंटरसेक्ट एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, ये 90 डिग्री भी रह सकता है, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल, ठीक है, 90 डिग्री भी रह सकता है दूसरा, ठीक है, 80 डिग्री भी रह सकता है, 60 भी रह सकता है, 100 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ये गियर क्या रहेंगे आपके, इंटरसेक्टिंग गियर कहलाएंगे, ठीक है, एंगल अपने आप अपने अकॉर्डिंग अपने को चेंज करना है, ठीक है। तो इस तरीके के जो गियर हैं उनको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, ठीक है, जो पहली जो क्लासिफिकेशन होगी, अकॉर्डिंग टू पैरेलल शाफ्ट, अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, ठीक। और तीसरी जो क्लासिफिकेशन होगी वो क्या होगी, ना तो इंटरसेक्ट करेंगे और ना ही पैरेलल होंगे गियर, ठीक है, ना तो इंटरसेक्ट करेंगे और ना ही पैरेलल होंगे, ठीक, नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल,
गियर, नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल गियर किस टाइप के हो जाएंगे? जैसे देखिए, पहला जो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, तो उसमें क्या होता है, जो शाफ्ट है ना तो एक दूसरे के पैरेलल होती है और ना ही क्या होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। जैसे देखिए डायग्राम में बना देता हूं उसके लिए आपके, जैसे डायग्राम भी सीख लो आप लोग बनाना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, इसको बोलेंगे आप लोग वॉर्म, इसको क्या बोलेंगे, वॉर्म। ठीक है, ये जो इसको बोलेंगे वॉर्म शाफ्ट, वॉर्म शाफ्ट या फिर वॉर्म गियर भी बोल सकते हो। ठीक है, वॉर्म शाफ्ट या फिर वॉर्म गियर, और नीचे क्या होगा, एक वॉर्म व्हील होगा इस तरीके से। चारा काटनी मशीन में देखा होगा आपने, ठीक है, चारा काटनी मशीन में यहां पर क्या होते हैं, इस तरीके से गियर बने होंगे। इस तरीके से टीथ बने होंगे, सॉरी गियर नहीं टीथ। इस तरीके से, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, व्हील, वॉर्म व्हील। ठीक है, वॉर्म व्हील, तो ये क्या हो जाएगा, व्हील हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, ये आपका वॉर्म हो जाएगा, वॉर्म एंड, ठीक है, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, इसको बोलते हैं वॉर्म ऊपर वाले को, नीचे वाले क्या बोलते हैं, व्हील, यानी कि वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। ठीक है, तो ये इसकी जो शाफ्ट होंगी, इसकी जो शाफ्ट होंगी, देखिए ये पहली इसकी शाफ्ट ये है, व्हील की शाफ्ट ये है, ठीक है, इस तरीके से इस वाली शाफ्ट में माउंटेड रहेगा, और वॉर्म की शाफ्ट ये है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल गियर की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, दे विल केम अंडर द कैटेगरी ऑफ द नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल साफ, राइट। दूसरा इसका जो केस हो सकता है, ठीक है, दूसरा जो इसका केस हो सकता है, वो कौन सा केस हो सकता है, वो हो सकता है आपका हाइपोइड गियर, हाइपोइड गियर। ठीक है, हाइपोइड गियर किस तरीके से होते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, ठीक है। नेक्स्ट जो केस हो सकता है आपका, वो हो सकता है हाइपोइड गियर। हाइपोइड गियर में देखिए किस तरीके से होता है, जैसे पहला जो गियर होगा आपका, फर्स्ट जो गियर होगा आपका इस तरीके से होता है, और जो सेकंड जो गियर होता है, इस तरीके से, ठीक है, तो इसका एक्सिस ये हो जाएगा, और इसका एक्सिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि ये जो शाफ्ट होंगे, ठीक है, ना तो ये पैरेलल होंगे एक दूसरे के, और ना ही कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये क्या है, ना तो कहीं पैरेलल होंगे, ये दिखाई दे रहा है बस इंटरसेक्ट, बाकी है नहीं, इस तरीके से रहता है। ठीक है, इस तरीके से रहता है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, सॉरी, ठीक है, हाइपोइड जो गियर होगा आपका, ये क्या होगा आपका, इस तरीके से होगा, तो वो क्या होंगे, साफ, ना तो आपकी नॉन पैरेलल होंगी, ना ही इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, इस तरीके से, तो उसके क्या बोलेंगे, ठीक है, हाइपोइड गियर, हाइपोइड गियर। ठीक, तो सभी को समझ में आ गया होगा शायद, ये ऐसा कोई है जिसको जितना बताया मैंने समझ में नहीं आया? हाँ जी विकास। नो सर। विकास, अंकित, अंशु, चरणजीवी, आया समझ में इतना जितना मैंने बताया है? दीपक,
रोहित हाँ सर हाँ जी आया इतना समझ में जितना बताया मैंने? हाँ सर ठीक है डियर ओके क्लास थैंक यू। तो देखिए ये मैंने बता दिया कि एक्सिस ऑफ शाफ्ट के अकॉर्डिंग गियर्स को कैसे आप लोग डिफरेंशिएट करते हो। ठीक है पहला क्या है पैरेलल शाफ्ट होंगी तो आपका कौन सा गियर हो जाएगा स्पर गियर हो जाएगा। ठीक है और कौन सा हो जाएगा हेलिकल गियर हो जाएगा। और तीसरा गियर क्या हो जाएगा आपका डबल हेलिकल और हेरिंग बोन गियर हो जाएगा पैरेलल शाफ्ट के केस में। इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के केस में कौन सा गियर हो जाएगा आपका ठीक है क्या हो जाएगा स्ट्रेट बीवल गियर एंड इंक्लाइंड बीवल गियर। ठीक है स्ट्रेट बीवल गियर क्यों बोला क्योंकि जो सारे के सारे टीथ हैं वो क्या रहेंगे स्ट्रेट रहेंगे शाफ्ट के एक्सिस के ठीक है अलोंग यानी कि स्ट्रेट रहेंगे और अगर आपके टीथ अगर इंक्लाइंड होंगे तो उनको क्या बोल देंगे इंक्लाइंड बीवल गियर। तो ये वाला जो गियर है वो क्या होगा ठीक है बीवल गियर ये बन जाएगा बीवल गियर। ठीक तीसरा जो टाइप मैंने बताया था वो बताया था नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल। ठीक है उस केस में क्या होगा फर्स्ट जो केस है वो है आपका वॉम एंड वॉम व्हील और सेकंड जो केस है वो है आपका हाइपोइड गियर। ठीक है नेक्स्ट केस क्या है आपका हाइपोइड गियर। ठीक है तो ये चीज क्या हो गई ये आपका अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट हो गया। नेक्स्ट हो गया पेरिफेरल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है पेरिफेरल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो यानी कि एक तो हो सकता है आपका लो वेलोसिटी गियर। ठीक है जिनकी वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी बहुत ज्यादा लो रहेगी लो वेलोसिटी गियर। ठीक है तो कितनी लो रहेगी जैसे फर्स्ट होगा आपका लो वेलोसिटी गियर। ठीक है लो वेलोसिटी गियर में क्या रहेगा अगर आपकी पेरिफेरल वेलोसिटी ठीक है पेरिफेरल वेलोसिटी लेस देन और इक्वल टू 3 meter per second है तो ये गियर किस गियर की कैटेगरी में आएंगे लो वेलोसिटी गियर में। ठीक है जितने भी गियर मैंने अभी आपको बताए हैं अगर उन सारे गियर्स की वेलोसिटी 3 meter per second से कम हो तो वो क्या होंगे आपके लो वेलोसिटी गियर। ठीक नेक्स्ट है आपका मीडियम वेलोसिटी गियर। ठीक है क्या है मीडियम वेलोसिटी गियर। ठीक है मीडियम वेलोसिटी गियर की क्या कैटेगरी रहेगी मीडियम वेलोसिटी गियर की कैटेगरी रहेगी अगर आपकी पेरिफेरल वेलोसिटी ठीक है 3 meter per second से ज्यादा है लेकिन 15 meter per second से कम है या फिर उसके बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे आप मीडियम वेलोसिटी गियर। उनको क्या बोल देंगे आप मीडियम वेलोसिटी गियर। ठीक है और थर्ड जो है आपका थर्ड कैटेगरी आपका हाई वेलोसिटी गियर। ठीक है हाई वेलोसिटी गियर में क्या रहेगा आपका हाई वेलोसिटी गियर में क्या रहेगा जो पेरिफेरल वेलोसिटी रहेगी आपकी ठीक है वो क्या रहेगी मोर देन 15 meter per second रहेगी। ठीक है मोर देन 15 meter per second रहेगी। ठीक है ये क्या हो जाएगा आपका हाई वेलोसिटी गियर। ठीक है यानी कि जितने भी गियर मैंने बताए हैं अगर उनकी वेलोसिटी आप 3 meter से कम रखोगे तो लो वेलोसिटी गियर 3 से 15 के बीच में रखेंगे ठीक है तो मीडियम वेलोसिटी गियर अगर 15 meter per second से ज्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगा आपका हाई वेलोसिटी गियर। ठीक है तो वो क्या हो जाएगा आपका हाई वेलोसिटी गियर। ठीक तो ये भी आपका पेरिफेरल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग भी डिफरेंशिएट हो गया। तीसरा क्या है आपका टाइप ऑफ गियरिंग। ठीक है तो टाइप ऑफ गियरिंग के अकॉर्डिंग आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो जैसे कि क्लास ये समझ में आया पेरिफेरल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग कैसे डिफरेंशिएट करना है। हाँ जी चरणजी भी आया समझ में नेक्स्ट देखिए टाइप ऑफ गियरिंग के अकॉर्डिंग देखिए सबसे पहला हो सकता है आपका एक्सटर्नल गियरिंग में क्या है मान लीजिए देखिए ये आपका गियर नंबर फर्स्ट है और ये क्या है आपका गियर नंबर सेकंड है ये शाफ्ट है ठीक। अच्छा देखिए जो गियर बड़ा होगा इसमें मैं थोड़े से टीथ इस तरीके से बना देता हूं ठीक है और छोटे वाले गियर के टीथ भी मैं इस तरीके से बना देता हूं इस तरीके से ठीक है इस तरीके से। तो ये गियर नंबर वन है ये गियर नंबर वन है और ये गियर नंबर टू है ठीक है तो ये क्या है जब गियर नंबर वन और गियर नंबर टू
ठीक है, दोनों के टीथ जब कॉन्टैक्ट में आएंगे, एक्सटर्नली कॉन्टैक्ट में आएंगे, ठीक है, तो इनको क्या बोल देंगे हम, एक्सटर्नल गियरिंग, इनको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल गियरिंग, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल गियरिंग, ठीक है, इस तरीके से एक्सटर्नल गियरिंग। तो इसमें देखो जो बड़े वाला जो गियर होगा, ठीक है, एक बड़ा गियर होगा और एक छोटा गियर होगा, तो छोटे गियर को तो बोलेंगे हम पिनियन, ठीक है, छोटे गियर को क्या बोलेंगे, पिनियन, और बड़े वाले गियर को क्या बोलेंगे, गियर, ठीक है, बड़े वाले गियर को हम क्या बोलेंगे, गियर, ठीक, छोटे वाला गियर क्या होगा, पिनियन, और बड़ा वाला गियर क्या होगा, बड़े वाला गियर को क्या बोलेंगे, गियर, ठीक। अच्छा देखिए, जो इनमें से ड्राइविंग या ड्रिवन कौन सा होगा, ड्राइविंग कौन सा होगा, ड्राइविंग, तो ड्राइविंग हमेशा छोटे वाला गियर को हम ड्राइविंग गियर बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटी चीज को रोटेट करवाने के लिए जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है वो काफी कम होती है, ठीक है, जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है छोटे डायमीटर की, ठीक है, छोटे डायमीटर की किसी भी एलिमेंट को रोटेट करवाने के लिए जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी, तो हमेशा जो ड्राइविंग गियर रहेगा, जो ड्राइविंग गियर रहेगा वो क्या रहेगा, आपका छोटू गियर रहेगा, ठीक है, यानी कि पिनियन जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक। और ड्रिवन कौन सा रहेगा, जो बड़ा, जो डायमीटर में या फिर साइज में जो बड़ा रहेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ड्रिवन गियर, ड्रिवन, ठीक है, और जो छोटे को क्या बोलेंगे, ड्राइवन, ड्राइविंग गियर या फिर ड्राइविंग गियर या फिर ड्राइवर गियर, ठीक है, ड्राइवर या फिर ड्राइविंग गियर, ठीक है, छोटे गियर को, बड़े वाले गियर को क्या बोलेंगे, ड्रिवन गियर। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल गियरिंग, एक हो सकता है इंटरनल गियरिंग, ठीक है, इंटरनल गियर में, इंटरनल गियरिंग में क्या हो सकता है, देखो इस तरीके से एक गियर होगा, ठीक है, इसमें अंदर की तरफ टीथ बने होंगे इस तरीके से, ठीक, ये तो देखो इंटरनल, ये तो हो गया एक गियर, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इस गियर के जो टीथ बने हुए हैं वो अंदर की साइड बने हुए हैं, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो एक अंदर गियर हो जाएगा इस तरीके, इस पर टीथ बने होंगे, इस तरीके से, ठीक है, जो गियर नंबर वन है, देखो जो पहले वाला जो गियर था उसके अंदर टीथ थे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनुलस, उसको क्या बोलते हैं, एनुलस, ठीक है, और एक अंदर गियर था जिसके बाहर की तरफ टीथ बने हुए हैं, ये वाला जो गियर है, ये वाला जो गियर है इसके बाहर की तरफ, यानी कि जो कॉन्टैक्ट आए, ठीक है, इस तरीके से रहेगा, एक गियर ये रहेगा, एक अंदर गियर रहेगा, ठीक है, इनके जो टीथ है इस तरीके से कॉन्टैक्ट में आएंगे, ठीक, इस तरीके से, इस तरीके से इन दोनों के जो टीथ है वो क्या आएंगे, आपके कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो इनको क्या बोल देंगे आप, इंटरनल गियरिंग, इस टाइप की जो गियरिंग हो जाएगी उसको बोलेंगे इंटरनल गियरिंग। और एक जो थर्ड होता है इसमें, थर्ड केस क्या होता है, रैक एंड पिनियन, यानी कि इस तरीके से देखिए, यहां पर क्या रहेगा, एक इस तरीके से छोटू गियर रहेगा, उस पर क्या रहेंगे, इस तरीके से टीथ बने रहेंगे, ठीक है, ये तो क्या करता है, रोटेट करता है, और जो पिनियन, ये तो हो गई रैक, ठीक है, ये तो हो गई रैक, और ये क्या हो गया, पिनियन, रैक एंड पिनियन, ठीक है। तो कभी आपने देखा होगा जो दरवाजे होते हैं लोहे के, जो दरवाजे होते हैं आयरन के, आजकल जो हम गेट लगवाते हैं वो खिसकाने वाले जो लगवाते हैं, ठीक है, तो गेट के नीचे ऐसे एक पिनियन लगवा देते हैं, और नीचे फर्श के साथ, ठीक है, क्या चीज अटैच करवा देते हैं, रैक को अटैच करवा देते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप की जो गियरिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, रैक एंड पिनियन, ठीक है, इस टाइप की जो गियरिंग हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी रैक एंड पिनियन टाइप ऑफ द गियरिंग, रैक एंड पिनियन टाइप ऑफ द गियरिंग, ठीक है। तो मैंने तीन बताया आप, एक तो हो गई एक्सटर्नल गियरिंग,
ठीक है, एक हो जाएगी आपकी इंटरनल गियरिंग और थर्ड क्या हो जाएगा आपका, एक एक्सटर्नल गियरिंग, इंटरनल गियरिंग और थर्ड क्या हो जाएगा आपका, रैक एंड पिनियन। ठीक है, तो ये थर्ड केस ही हो गया टाइप ऑफ गियरिंग के अकॉर्डिंग, टाइप ऑफ गियरिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए हाउसिंग डिजाइन, हाउसिंग डिजाइन में क्या आ जाएगा, हाउसिंग डिजाइन में क्या आ जाएगा, एक तो आपके ओपन गियर हो सकते हैं और एक हो सकते हैं आपके क्लोज गियर। ठीक है, ओपन गियर कैसे हो सकते हैं, यानी कि आप जैसे गियर बॉक्स है, गियर, ठीक है, गियर जो है उनको आपने कवर नहीं किया, जो कवर नहीं करेंगे तो क्या होगा, डस्ट वगैरह उनके अंदर जाएगी। ठीक है, और जो गियर है आपके ज्यादा वियर आउट हो जाएंगे। ठीक है, और जल्दी फिर लुब्रिकेशन और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी क्या रहेगी आपकी, ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, हाउसिंग डिजाइन में पहला हो जाएगा आपका ओपन गियर, जिसमें आप गियर्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, प्रॉपर ओपन गियरिंग। और दूसरा क्या, ठीक है, ओपन गियर में क्या करेंगे, कवर, नो कवर, यानी कि कोई कवर नहीं होगा। ठीक है, और क्लोज गियर में क्या हो जाएंगे, क्लोज गियर में आप एक हाउसिंग यूज करोगे, हाउसिंग यूज करोगे, हाउसिंग या फिर एक कवर का यूज करोगे। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो पूरा गियर है, ठीक है, वो क्या रहेगा, कवर रहेगा, लुब्रिकेंट भी उसके अंदर रहेगा। ठीक है, और जो डस्ट पार्टिकल है वो भी क्या होंगे, ज्यादा उसके अंदर नहीं जाएंगे, और आपके गियर क्या रहेंगे, ज्यादा रिलायबल रहेंगे, आपके गियर ज्यादा रिलायबल रहेंगे, सर्विसिंग की कम रिक्वायरमेंट रहेगी, मेंटेनेंस कम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक प्रॉपर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना पड़ेगा, राइट। और नेक्स्ट है आपका शेप ऑफ द टीथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, शेप ऑफ द टीथ के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, शेप ऑफ द टीथ, जैसे पहला हो सकता है आपका स्ट्रेट टीथ हो सकता है, स्ट्रेट टीथ हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, स्ट्रेट टीथ हो सकते हैं गियर में। दूसरा क्या हो सकता है, इंक्लाइंड टीथ हो सकते हैं। ठीक है, इंक्लाइंड टीथ हो सकते हैं। स्ट्रेट टीथ में तो मैंने बताया था कि वह टीथ इस तरीके से स्ट्रेट रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट टीथ रहेंगे। इंक्लाइंड वाले में क्या रहेगा, जो टीथ है आपके इस तरीके से रहेंगे टीथ। ठीक है, इंक्लाइंड टीथ में इस तरीके से गियर के ऊपर इंक्लाइंड रहेंगे टीथ। और तीसरा जो गियर है वो है कर्व्ड टीथ, आपके जो टीथ है वो कर्व शेप में हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, कर्व्ड, ठीक है, कर्व्ड टीथ हो सकते हैं, कर्व्ड टीथ हो सकते हैं। ठीक है, कर्व्ड टीथ में क्या है, कर्व्ड टीथ, जैसे कि मान लीजिए ये कोई गियर है, तो आपके जो टीथ है इस तरीके से कर्व हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये पहला टीथ हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवां, इस तरीके से मतलब कर्व्ड हो सकते हैं आपके टीथ गियर के अंदर। ठीक है, कर्व्ड टीथ हो सकते हैं आपके। कर्व्ड टीथ कहाँ पे यूज होते हैं, बेसिकली जो आपके डिफरेंशियल जो गियर बॉक्स होता है आपका, ठीक है, जो डिफरेंट वेलोसिटी ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जब आपका व्हीकल जब कर्व करता है, टर्न लेता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, एक व्हील पे तो ज्यादा वेलोसिटी ट्रांसमिट करनी पड़ती है, और दूसरे व्हील पे क्या होता है, जो वेलोसिटी रेशो का जो ट्रांसमिशन है वो क्या हो जाता है, एटलीस्ट, बिल्कुल, ठीक है, एटलीस्ट हो जाता है, मतलब कम से कम हो जाता है। ठीक, तो जो जो वेलोसिटी रेशो हो जाता है आपका एटलीस्ट इतना 1001 रेशो, ये रेशो हो सकती है आपकी मैक्सिमम। ठीक है, इससे भी ज्यादा हो सकती है, तो कर्व्ड टीथ उस केस में आपके यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके, स्ट्रेट टीथ, इंक्लाइन टीथ और कर्व्ड टीथ, ये तीनों, इन तीनों टाइप से भी आप लोग क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो गियर्स को। ठीक है, और गियर नॉमेनक्लेचर मैंने कल आपको बताई दिया था। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लेना। और नेक्स्ट जो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गियर ट्रेंस, ठीक है, गियर ट्रेंस के बारे में थोड़ा सा, एक लेक्चर हो जाएगा गियर ट्रेंस।
देखिए आप लोग अगर डिस्कनेक्ट हो जाएं तो दोबारा से कनेक्ट होना सभी को, ठीक है।